बहुत बड़े विशाल जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के सामने ही कालू कौए का घोंसला भी था। टुनटुनी चिड़िया ने कुछ दिनों पहले ही 2 अंडे दिए थे। वो अंडों का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखती थी। चलो, खाना खाने का समय हो गया है। अब मुझे बाहर खाना ढूंढने जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे अंडों का ख्याल कौन रखेगा? चलो, मैं कालू भैया से बोल देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौए के पास जाती है। कालू भैया, मैं खाना ढूंढने जा रही हूँ, जब तक क्या तुम मेरे अंडों का ख्याल रखोगे? मैं जल्दी ही आ जाऊंगी और आपके बेटे कल्लन के लिए भी भोजन तलाश करके ले आऊंगी। बस जब तक आप मेरे अंडों का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अच्छे से तुम्हारे अंडों का ख्याल रखूंगा, मगर तुम मेरे लिए भोजन लाना कहीं से भी। ऐसा ना हो कि तुम अपने लिए ही ले आओ और मेरे लिए लाना भूल जाओ। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। अरे नहीं नहीं कालू भैया, मैंने आज तक किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया है और ना ही आपके साथ करूंगी। आप चिंता ना करिए, मैं आपके लिए भी भोजन तलाश करके ले आऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया के जाते ही जो उसके घोंसले में 2 अंडे रखे थे वो जोर जोर से हिलने लगते हैं, और ये सब कुछ वो कालू कौआ भी देख रहा होता है। पापा पापा देखो, टुनटुनी आंटी के अंडों को क्या हो रहा है। अरे नहीं, ये टुनटुनी चिड़िया के अंडे तो काफी जोरों से हिल रहे हैं। इसका मतलब टुनटुनी के अंडों में से बच्चे बाहर आने वाले हैं। चलो जल्दी से टुनटुनी के घोंसले में चला जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो उसके बच्चे अंडों में से निकलकर सीधे घोंसले से नीचे ही गिर जाएं। ऐसे तो वो चिड़िया मुझे मार ही डालेगी। चलो चलो जल्दी से मैं उस घोंसले में चला जाता हूँ। फिर कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में चला जाता है। कुछ ही देर के बाद वो दोनों अंडे फूट जाते हैं और उन दोनों अंडों में से छोटे छोटे प्यारे से बच्चे निकलते हैं। अरे वाह, टुनटुनी चिड़िया के कितने सुंदर बच्चे हैं। और एक मेरा कल्लन कौआ, जब भी छोटा था तो तब भी काला था और अब बड़ा हो गया तब भी काला है। जैसा रंग है वैसा नाम भी है। फिर थोड़ी देर में टुनटुनी चिड़िया खाना लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। अरे वाह, मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे अंडे से बाहर आ गए। बहुत सुंदर है ये दोनों। कालू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इन दोनों अंडों का ख्याल रखा। मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, आप अपना भोजन ले लीजिए। फिर कालू कौआ अपना भोजन लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। अरे वाह, तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे हो। तुम दोनों बंडे में से निकल चुके हो, अब मुझे कोई भी चिंता नहीं। चलो मैं तुम दोनों को भोजन खिला देती हूँ। बहुत भूख लग रही है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। फिर उसके बाद तुम दोनों सो जाना। वाह क्या बात है, इस टुनटुनी चिड़िया की वजह से तो मुझे रोज फ्री का खाना मिलता है, वरना मुझ में इतनी ताकत कहाँ जो रोजाना भोजन तलाश करता फिरूं। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे होने के बाद रोजाना कोई न कोई टुनटुनी चिड़िया के पास बधाई देने के लिए आता और बधाई देने के साथ साथ थोड़ा बहुत भोजन भी दे के चला जाता, जिसकी वजह से उस टुनटुनी चिड़िया के पास ढेर सारा भोजन जमा हो चुका था। इस टुनटुनी चिड़िया के पास तो इतना सारा भोजन जमा हो गया है, जिसकी वजह से ये टुनटुनी चिड़िया भोजन तलाश करने भी नहीं जाती। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। मैं काफी दिनों से भूखा हूं। चलो एक काम करता हूं, मैं टुनटुनी चिड़िया के पास जाता हूं और उससे ही थोड़ा भोजन मांगकर खा लेता हूं। फिर कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। सुनो टुनटुनी बहन, तुम पहले अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर जाती थी और उसके बदले में तुम मुझे भोजन भी दिया करती थी, लेकिन तुम्हारे पास इतना भोजन होने की वजह से आजकल तो तुम भोजन जमा करने भी नहीं जा रही हो। अरे कालू भैया, आप दोनों इतने दिनों से भूखे हैं और आपने मुझे बताया ही नहीं। अगर आप मुझसे भोजन मांग लेते तो मैं मना नहीं करती। आप चिंता मत कीजिए, मैं आप दोनों को भोजन दे देती हूँ, फिर आप दोनों आराम से भोजन कर लीजिएगा। फिर कुछ दिनों के बाद बहुत तेज बारिश होती है। उस बारिश में टुनटुनी चिड़िया के बच्चे तीनों बारिश में भीग रहे होते हैं, और टुनटुनी चिड़िया के पास बारिश में भीगने से बचने के लिए कोई उपाय नहीं होता है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है, इतनी तेज बारिश।
बारिश शुरू हो गई। मेरे दोनों बच्चे भी इस बारिश में भीग रहे हैं। अगर ज्यादा देर और बारिश होती रही तो मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। वैसे मुझे जल्दी ही कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अब मैं क्या करूं? ये टुनटुनी चिड़िया भी बारिश में भीग रही है, लेकिन ये जरूर कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि ये बहुत मेहनती है। ये बारिश से बचने के लिए जरूर कोई घोंसला बनाएगी जिसमें वह बारिश के महीने गुजार सके। मैं और कल्लन टुनटुनी चिड़िया के साथ उसी घोंसले में रह लेंगे। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के भरोसे पर बैठा होता है और वहीं टुनटुनी चिड़िया बहुत चिंतित होने लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए कोई न कोई जगह तलाश करने निकल जाती है और वहीं टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में पानी भरने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया को नीचे जमीन पर एक छाता दिखाई देता है और वो तुरंत उसके पास आ जाती है। अरे वाह भाई, ये क्या चीज है? ये तो भीग भी नहीं रही है और ना ही पानी उसके आर पार जा रहा है। ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। अगर मैं इसे अपने घोंसले के ऊपर लगा लूँ तो हम बारिश से बच सकते हैं। चलो जल्दी से मैं इसे अपने घोंसले में ले जाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया छाते को अपने साथ अपने घोंसले में ले जाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया छाते को अपने घोंसले के ऊपर लगा लेती है, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे बारिश में गीले होने से बचने लगते हैं। अरे वाह, मेरा उपाय तो काम कर गया। अब मुझे इस बारिश से बचने की कोई चिंता नहीं। बारिश की एक बूंद भी मेरे घोंसले में नहीं आ रही है। वाह भाई वाह, क्या बात है। इस टुनटुनी चिड़िया ने अपने घोंसले के ऊपर ये क्या चीज लगा रखी है जिससे इसके घोंसले में बारिश की एक बूंद भी नहीं जा रही। एक काम करता हूँ, जैसे ही ये भोजन की तलाश में बाहर जाएगी तो मैं इस चीज को अपने घोंसले में लगा लूंगा और टुनटुनी को कोई बहाना बना दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है और वही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को जाता हुआ देख लेता है। चलो अच्छा है कि ये टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से चली गई। अब मैं जल्दी से इसके घोंसले में जो चीज लगी है उसे निकालकर अपने घोंसले में लगा लेता हूँ। फिर मैं और मेरा बेटा बारिश में भीगने से बच सकेंगे। उसके बाद कालू कौवा अपने घोंसले में वो छाता निकालकर लगा लेता है। थोड़ी देर पर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में आती है तो तभी उसकी नजर सामने पड़ती है। वो देखती है कि कालू कौवे ने वो छाता अपने घोंसले में लगा रखा है, तो टुनटुनी चिड़िया उस कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, ये आपने बहुत गलत किया है। आपने ये चीज मेरे घोंसले में से हटाकर क्यों लगाई है? चलो मुझे मेरी चीज वापस करो, मेरे बच्चे भीग रहे हैं। अरे टुनटुनी बहन, ये चीज मैंने तुम्हारे घोंसले में से नहीं निकाली, बल्कि ये तो हवा के साथ कहीं उड़ गई थी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसे ढूंढा और लाके इसको अपने घोंसले में लगा लिया। फिर टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ कहे अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ में बैठ जाती है जिसमें एक सुराख होता है जिसमें बारिश की बूंद भी नहीं जा सकती थी। ठीक उसी पेड़ पर एक चील का घोंसला भी होता है जिसमें दो अंडे भीग रहे होते हैं। जब उन अंडों की माँ चील वापस आती है तो वो अपने अंडों को भीगा देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या, मैं तो अपने अंडों को बारिश से बचने के लिए छाता लगा के गई थी, लेकिन वह छाता चला कहाँ गया? लगता है वह बारिश में उड़कर कहीं इधर उधर गिर गया होगा। चलो चलकर ढूंढती हूँ। फिर वो चील माँ छाते की तलाश में लग जाती है। वो चील छाता ढूंढते ढूंढते कालू कौवे के पास पहुँच जाती है। छाता देखकर चील को बहुत गुस्सा आता है। कालू कौवा, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने अपने आप को बारिश से बचाने के लिए मेरा छाता अपने घोंसले में लगा लिया और मेरे अंडों को बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया। अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। उसके बाद चील कालू कौवे को खूब मारती है और अपना छाता वापस अपने घोंसले में लगा लेती है। वही टुनटुनी चिड़िया भी आराम से पेड़ की एक सुराख में अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी के भरोसे पे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपना काम खुद करना चाहिए। बड़ी भूख लग रही है, पर खाना कब तक मिलेगा पता नहीं, क्या करूं? हाँ, अभी तो वैसे भी कोई काम नहीं है, तो जंगल जाकर देखती हूँ, शायद कोई बढ़िया सा फल मिल जाए मुझे खाने के लिए।
ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उड़कर जंगल की तरफ चल दी। टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही गरीब और अनाथ चिड़िया थी। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी और पिता टुन्नू चिड़ा एक शिकारी पक्षी का शिकार हो गए। टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के यहाँ मजदूरी किया करती थी, लेकिन सच ये था कि टुनटुनी के रूप में कड़कनाथ सेठ उसके परिवार को एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। कड़कनाथ सेठ की बीवी सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से सारा दिन घर के काम करवाती और उसे खाना भी नहीं देती। लेकिन टुनटुनी चिड़िया नदी के पार वाले जंगल जाकर आम के पेड़ से आम तोड़कर अपना पेट भर लेती। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। अरे वाह, ये आम बहुत मीठे हैं। ऐसा करती हूँ, एक दो तोड़ लेती हूँ, शाम को खा लूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया ने कुछ और आम तोड़े और उन्हें अपने साथ लेकर कड़कनाथ सेठ के घोंसले की तरफ चल दी। वो आम खाते हुए जा रही थी और बहुत खुश भी थी, लेकिन फिर अच्छा तो तू यहाँ है महारानी, काम चोर कहीं की, और ये आम कहाँ से लाई रे? मालकिन वो मैं। अच्छा वो क्या कर रही है? ये हमारे बाग से चुरा कर लाई है ना? ठहर जा, आज तो तेरी खैर नहीं। सुंदरी कौवी ने टुनटुनी चिड़िया को उसकी पूरी बात कहने ही नहीं दी और उसे खींचते हुए सीधा कड़कनाथ सेठ के पास पहुंची। देखो जी, ये मिल गई हमारे आमों की चोर, घर का सारा काम छोड़कर बाग से हमारे आम चुरा कर खा रही थी। नहीं नहीं मालकिन, मैंने आम नहीं चुराए, मैं तो नदी पार जंगल गई थी। चुप हो जा, नमक हराम कहीं की, तेरा कोई नहीं, ये सोच कर तुझ पर तरस खाया हमने। लेकिन सच है, तुम फटीचर पक्षी कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। उठाओ इसे और फेंक दो हवेली से बाहर। अरे ये क्या कर दिया आपने, मैं तो बस दो चार डंडी लगवाने लाई थी आपके पास, आपने तो उसे घर से ही निकाल दिया, अब कौन करेगा सारे काम? कमाल करती हो भाग्यवान, मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि क्या करना है और क्या नहीं। अब बाहर निकाल दिया है तो अभी तो वापस बुला नहीं सकते, ससुरी अनाथ है ना, दो दिन में खुद ही आ जाएगी जब पेट में भूख से आग लगेगी। सुंदरी कौवी मुंह लटकाकर वहाँ से चली गई। उसे भी यही लगा था कि टुनटुनी जल्दी ही घोंसले में वापस लौट आएगी, लेकिन असल में टुनटुनी चिड़िया के साथ जो होने वाला था उसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। माँ बाबा आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई घर भी नहीं है। टुनटुनी चिड़िया बस रोए जा रही थी, उसे कुछ सोच नहीं रहा था कि तभी उसकी नजर सामने बैठे कुछ पक्षियों पे पड़ी जो बड़े मजे से रसीले आम खा रहे थे। उन्हें आम खाता देखकर टुनटुनी चिड़िया को कुछ सूझा और वो सीधा जंगल गई, उसी आम के पेड़ के पास जहाँ से उसने आम तोड़कर खाए थे। और फिर इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे बिना मारे या मुझसे कोई काम करवाए बिना अपने मीठे मीठे फल दिए मुझे खाने के लिए, तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या मैं यही तुम्हारे पत्तों के छांव में बैठ जाऊं? टुनटुनी चिड़िया के ऐसा कहते ही उस पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी और फिर अचानक पेड़ के ठीक नीचे की जगह पर हवा का एक तेज झोंका आया और वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी हो गई। ऐसा लगा मानो पेड़ ने खुद टुनटुनी चिड़िया को बैठने के लिए जगह दी हो। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो गई। शुक्रिया दोस्त, अब अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं एक और आम ले सकती हूँ? पहले जो मैं लेकर गई थी वो सारे वही गिर गए जब मालकिन ने मेरे कान खींचे थे।